दिल्ली की हवा बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, और जब आप इसकी नापते हो तो PM2 लेवल और PM10 लेवल, 7.5 लेवल जो एक्सट्रीमली बैड माने जाते हैं WHO की रिपोर्ट के हिसाब से, हम उस दौर से गुजर रहे हैं, और ये एक्सपेक्टेड भी था। आज से 10 दिन पहले की प्रेडिक्शन थी कि पहले सप्ताह में नवंबर के थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी बैड एंड दे आर बैड, मतलब आप सड़क पर खड़े नहीं हो सकते, सांस नहीं ले सकते। और हिदायत दी गई थी तभी से कि जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जो सुबह जल्दी उठ के बाहर वॉक करने जाते हैं, खासकर बुजुर्ग लोग, बिल्कुल बाहर ना जाएं। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इनके लिए भी यह हिदायत है कि वो बाहर कम से कम निकलें। जो आम लोग मास्क डालते हैं, चाहे सर्जिकल मास्क कह दो उनको या कॉमन मास्क कहा जाता है, ये कॉमन मास्क की पोल्यूशन से बचाव में बिल्कुल कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती, ये किसी तरह के पार्टिकल्स को रोक नहीं पाता। तो ये तो जितना डालने वाली बात है, ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल बाहर जा रहे थोड़ा डाल लिया, अदरवाइज इनकी अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार के पार्टिकल्स को नहीं रोक पाता। जो स्पेशल मास्क होते हैं पोल्यूशन के लिए, वो महंगे पड़ते हैं, ये और महंगे पड़ते हैं, और कोई भी मास्क जो है 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि जब आप सांस लेते हो और उसके साथ जो जो वाटर वेपर्स आती हैं, ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो आपके यूजुअली मास्क को सौगी कर देते हैं, गीला कर देती हैं, तो उसके बाद वो काम नहीं करता। तो इसलिए अगर आपने मास्क पहनना ही है तो अच्छे वाले मास्क जो हैं वो लेंगे तो ज़्यादा फायदा है। और जो आम मास्क है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, लोग बांट भी रहे हैं, एक दूसरे को लगा भी रहे हैं, दिख भी रहा है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कोई फायदा नहीं है।